हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं बारहवीं का चैप्टर 1 संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसके पहले ग्यारहवीं का कुछ चीज़ें रिमाइंड करना पड़ेगा, तो देखते हैं। समुच्चय, माना समुच्चय, ए इक्वल टू लेते हैं 1, 2, 3, बी इक्वल टू 7, 8, 9। तो हम लोग ग्यारहवीं का क्या चीज़ रिमाइंड करना पड़ेगा, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्तीय गुणनफल ये होता है कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, मीन्स सबके साथ गुणा होते जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 7, 2, 8, 2, 9, ऐसे ही 3, 7, 3, 8, 3, 9, ठीक है। ये होता है कार्तीय गुणनफल, ठीक है। जहाँ पे ये जो है पहला समुच्चय का क्या है, पहला अवयव है, और ये क्या है, दूसरा समुच्चय का दूसरा अवयव है। ये होता है कार्तीय गुणनफल, ठीक है। अब देखते हैं संबंध क्या होता है। संबंध केवल दो वस्तुओं में होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि राम मोहन का भाई है, ठीक है। राम जो है किसका भाई है, मोहन का भाई है। इन दोनों में संबंध आया कि दोनों क्या है, भाई हैं। वैसे ही पी क्यू जो है आर एस के समांतर है, मीन्स पी क्यू जो लाइन है वो आर एस के समांतर है, यह भी एक संबंध है। तो इस प्रकार क्या है, संबंध है। अब देखो, अब हम यहाँ पे लिए थे दो समुच्चय 1, 2 और 3, 7, 8 और 9, ठीक है। इसको ए लिए थे, इसको बी लिए थे, ठीक है। अब हम इसमें संबंध निकालते हैं। संबंध मीन्स रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे संबंध होगा ए और बी दिया है, ठीक है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। और बी इक्वल टू एक कंडीशन दिया है, ए प्लस 5, ठीक है। जहाँ पे ए का संबंध है ग्रेट बड़ा ए, ठीक है, कैपिटल ए, और बी का संबंध है कैपिटल बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी का मान रखें, बी की जगह ए का मान रखेंगे तो कुछ न कुछ संबंध आएगा, ठीक है। यदि ए इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, स्मॉल ए इक्वल टू 1 रखेंगे तो बी का मान कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा, ए के इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 मीन्स 7 आ जाएगा। ए इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में निकालेंगे तो 1 और 6 आएगा, 2 और 7 आएगा, 3 और 8 आएगा, ठीक है। अब हम संबंध देखें, ठीक है, आर इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, 1 और 6, यहाँ पे 1 और 6 है क्या, दोनों में ए और बी में 1 और 6 तो नहीं है, तो ये संबंध नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ए में अब क्या है, 2 और 7, 2 भी है 7 भी है, मीन्स इसका संबंध आएगा, ठीक है। और उसके बाद है 3 और 8, यहाँ 3 भी है 8 भी है, मीन्स ये भी संबंध होगा, ठीक है। तो ये होता है संबंध। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो कार्तीय गुणनफल होता है इसका उप समुच्चय होता है किसका, संबंध का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ग्यारहवीं और बारहवीं के संबंधों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ग्यारहवीं में हम लोग मान लो ये एक समुच्चय ए है और बी है, ठीक है। तो यहाँ का जो संबंध आता था ए और बी का, तो ए का संबंध ए से होता था और बी का संबंध बी से होता था। लेकिन बारहवीं में क्या है,
ए का संबंध ए से होगा और बी का संबंध भी ए से ही होगा, यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार पहला है रिक्त संबंध। क्या? रिक्त संबंध। ठीक है, तो रिक्त संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जिसमें कोई क्रमित युग्म ना हो, मीन्स इसमें कोई युग्म ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जो संबंध है वो ए बी का है। ठीक है, और मान लो ए माइनस बी इक्वल टू 10, ये हम लोग का एक रिलेशन दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए माइनस बी करते हैं, ठीक है, तो ए माइनस बी अगर इन दोनों को भी घटाएंगे तो भी 10 नहीं आएगा, इन दोनों को करेंगे तो भी नहीं आएगा, इन दोनों को करेंगे तो भी नहीं आएगा, इसको इसको किसी को भी करो तो वो नहीं आएगा, मीन्स इसका जो संबंध है वो नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं रिक्त संबंध। ठीक है, अब आता है दूसरा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? यदि प्रत्येक अवयव का ए का संबंध सभी अवयव से संबंधित हो तो यह होता है सार्वत्रिक संबंध। ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, ये ए का सभी अवयवों से संबंधित हो, सभी अवयवों से क्या हो, संबंधित हो, तो ये क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब है संबंध। ठीक है, संबंध क्या दिया है? ए बी। ठीक है, ए बी है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? बी माइनस ए एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ए बी माइनस ए हम लोग अगर इसमें रिलेशन निकालें तो क्या क्या आएगा? 1 1 आ जाएगा, 1 2 आएगा, 1 1, 1 2, और क्या आएगा? 1 3, 1 3, इसी में से रिलेशन आते जाएगा, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। ठीक है, ये रिलेशन आया। ठीक है, तो अगर हम लोग ए इंटू ए करते हैं, ए इंटू ए करेंगे तो क्या होगा? वही आएगा, 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, यही आएगा, ये सेम चीज आएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो अवयव है, इसका जो अवयव है, इसको दोनों को अगर रिलेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज आता है, मीन्स ये जो है सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन पे है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? समुच्चय ए का अगर संबंध आर तभी स्वतुल्य कहलाएगा जब ए का संबंध जो है ए से हो। ठीक है, मीन्स प्रत्येक ए का संबंध जो है ए से, अगर ए का संबंध अगर आर से है तो ये क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा आता है सममित संबंध।
ठीक है। सममित संबंध क्या होता है, अगर ए वन ए टू का संबंध जो है ए से है, ठीक है, और ए टू ए वन का भी संबंध ए प्राप्त हो हम लोग को, ठीक है, ए वन ए टू का जो है रिलेशन जो है आर हो तथा ए टू ए वन भी आर होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे देखो, मान लो ए वन ए टू दिया है, इसका संबंध किससे है, ए से है, ठीक है, तो ए वन ए टू का जो रिलेशन होगा वो ए टू ए वन का भी वही सेम रिलेशन होगा, तब यह जो संबंध कहलाएगा वो क्या संबंध कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। अब देखते हैं पांचवा है संक्रामक संबंध, इसके बाद एक तो एग्जाम्पल करेंगे जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों के बारे में एक ही एग्जाम्पल से ही तीनों क्लियर हो जाएगा। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध क्या होता है, वह संबंध अगर कोई ए दिया है, ठीक है, ये तब ए का जो वैल्यू है वो तब संक्रामक कहलाएगा जब क्या है ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, जब ए वन ए टू ए थ्री का संबंध जो है ए से हो, ठीक है, तो ए वन ए टू, ए वन ए टू का संबंध जो है आर, ठीक है, और ए टू ए, ए टू ए थ्री, ए टू ए थ्री का जो संबंध है तथा ए वन ए थ्री भी होना चाहिए। मीन्स अगर दिया है ए का वैल्यू दिया है, मीन्स संबंध दिया है ए वन ए टू ए थ्री दिया है, ठीक है, तो अगर ए वन ए टू का जो संबंध है वो भी होना चाहिए, ए टू ए थ्री का भी संबंध आना चाहिए, तथा ए वन ए थ्री का भी अगर तीनों का अगर सेम संबंध आता है तो वह कहलाएगा संक्रामक संबंध। चलिए अब एग्जाम्पल देखते, तो चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का। तो यहाँ पे लिए हैं ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे जो रिलेशन दिया है वन 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 टू टू वन टू टू थ्री 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 और फोर फोर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य के लिए कंडीशन है कि ए का संबंध जो है ए से होना चाहिए, और जो ये ए ए है उसका संबंध जो ये रिलेशन आर दिया है उससे होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे ए ए है तो ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, यहाँ पे टू टू, ये मीन्स ये ए है ये है तो ये बार बार रिपीट होगा ए ए मीन्स, तो यहाँ पे थ्री थ्री फोर फोर, तो यहाँ का जो रिलेशन आया, यहाँ पे देखो वन वन भी है टू टू भी है थ्री थ्री भी है फोर फोर भी है, मीन्स ये स्वतुल्य है, ठीक है। अब सममित, सममित चेक करने के लिए क्या करते हैं, ए वन ए टू का संबंध जो है ए से होना चाहिए, और ए वन ए टू का जो यहाँ पे जो संबंध दिया है ये आर से होना चाहिए, और इसके जस्ट अपोजिट ए टू ए वन का भी संबंध इस आर से होना चाहिए, तो ये क्या संबंध क्या कहलाएगा, सममित संबंध का उदाहरण ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो जो सेम सेम दिया है उसको छोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या वन वन और टू वन, ठीक है, तो वन वन का संबंध जो है इस रिलेशन से है, ठीक है, और टू वन का संबंध भी इस रिलेशन में है, मीन्स ये सममित भी है, ठीक है। अब देखते हैं संक्रामक, संक्रामक क्या होता है कि प्रत्येक ए वन ए टू ए थ्री इन तीनों का संबंध जो है ए से होना चाहिए, ठीक है, और फिर ए वन ए टू का जो यहाँ पे संबंध है इस आर से होना चाहिए, ए टू ए थ्री का जो संबंध है इस आर से होना चाहिए, और ए वन ए थ्री का भी संबंध इस आर से होना चाहिए, तो ये क्या होगा, संक्रामक भी हो जाएगा, ठीक है। तो वन टू इसको छोड़ देंगे, तो वन टू का संबंध आर से तो ये तो है, टू वन का संबंध इसमें है, ठीक है। अब देखो ये ए वन और ए थ्री मीन्स फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, इसका संबंध मीन्स वन वन इसमें क्या है, तो ये क्या होगा, संक्रामक भी होगा, मीन्स ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें
ना तो स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना तो संक्रामक होगा, ठीक है। तो लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे रिलेशन आर दिया, ठीक है। तो स्वतुल्य के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है, मीन्स ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब सममित के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि A1 A2 का संबंध ए से है तो आर से भी, और A2 A1 का संबंध भी आर से होना चाहिए, तो ये वो भी नहीं है, मीन्स ये सममित भी नहीं है। अब देखो संक्रामक, संक्रामक भी क्या है, ये A1 A2 और A2 A3 और A3 A1 का भी संबंध सेम से हो तो क्या होता है, ये संक्रामक होता है, तो ये भी नहीं है, मीन्स ये एग्जांपल क्या है, ना तो समतुल्य है, ना तो सममित है, ना तो संक्रामक है। अब लास्ट में है एक संबंध, तुल्यता संबंध। अगर ऐसा संबंध जिसमें ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध पाए जाएंगे तो वह संबंध कहलाएगा तुल्यता संबंध, जो कि ये एग्जाम्पल फिट आता है इसमें, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं है तो इसको हम लोग तुल्यता संबंध नहीं बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू।